यह हिम्मत और जीने के जज्बे की अद्भुत कहानी है। बड़हरा प्रखंड के सेमरा गांव के 42 वर्षीय दिलेर युवक दिनेश्वर राय 19 घंटे तक जिंदगी की जंग लड़ता रहा। सोमवार रात 9 बजे से 12 बजे तक 3 घंटे तक वह गंगा की तेज धार में बहता रहा। 20-22 किलोमीटर दूर तक बहने के बाद उफनती धारा ने रात करीब 12 बजे सोते के सहारे उसे जंगल टापू के किनारे लगा दिया। इसके बाद वह दोपहर 12 बजे तक टापू पर भटकता रहा, नंग धड़ंग, एक ओर जंगल और दूसरी ओर गंगा, दोनों ओर मौत। पर दिनेश्वर ने हिम्मत नहीं हारी, सोचा कि जंगल में मरने से अच्छा है फिर से दरिया में चले जाए, कोई सहारा मिला तो बच जाएंगे। काफी घूमने के बाद पेड़ दिखा तो उसकी टहनियों का गट्ठर बनाया और फिर गंगा में उतर गया। करीब 4 घंटे तक मदद की आस लिए गट्ठर के सहारे तैरता रहा। मंगलवार शाम में 4 बजे पटना जिले के गोरैया स्थान के सामने नीलकंठ टोला दियारे के लोगों ने उसे नदी से निकाला। दरअसल आरा छपरा पुल के नीचे गंगा में सोमवार की रात पाया नंबर 4 से टकरा कर बड़ी नाव डूब गई थी। हादसे में 12 मजदूरों में से 6 लोगों को नाविकों ने बचा लिया था, शेष 6 उफनती धारा में बह गए। इनमें ही जगन्नाथ राय के पुत्र दिनेश्वर भी था। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।